हमारी मांगे जिंदाबाद 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 और भाई चारा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 किसान कमजोर कमजोर विरोधी मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 कर्मचार विरोधी सरकार मुर्दाबाद 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 ब्रिटिश प्रशासन मुर्दाबाद 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 नौकरी से बाहर करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं मित्र पाल राणा हरियाणा राज्य प्रधान हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ, हम सरकार से मांग करते हैं कि दो तीन दिन पहले जो हमारे तुगल की प्रमाण जारी करके 300 और 400 के करीब में जो हमारे कच्चे कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे 10-15 साल से लगातार इस कारपोरेशन की सेवा कर रहे थे और इस महामारी के दौरान जो लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके पुलिस के कर्मचारी और पैरामिलिट्री के कर्मचारी और स्वास्थ्य के कर्मचारियों की हम दिन रात बगैर स्वच्छता कवच वगैरह के हम अपनी जान जोखिम में डाल करके इनकी सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका रोजगार छीनना एक बड़ा दुखनीय कार्य है। हम मांग करते हैं लगातार जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं इनको तुरंत वापस लिया जाए। 300 और 400 के करीब लगभग है, कुछ कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे है, कुछ कर्मचारी बोचर वगैरह दे करके उनको रखा जा रहा है। मतलब मिनिमम वेजेस में ये कर्मचारी लगातार 10-10 साल से काम कर रहे थे। एक तरफ से आदरणीय मोदी जी मतलब लगातार भाषण दे रहे किसी कच्चे कर्मचारी को प्राइवेट कंपनी में नहीं हटाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने की बजाय पर्यटन विभाग के अंदर जो लगे हुए कर्मचारी 10-15 साल से सेवा कर रहे हैं मतलब उनको हटाया जा रहा है, सरकार का दोहरा चरित्र है। दूसरी तरफ से जो हमारे कर्मचारी जान जोखिम में डाल करके दूसरे जो भाई हमारे पास जो पुलिस के भाई है दूसरे हमारे डॉक्टर है उनकी सेवा कर रहे हैं उनके उस टाइम में ऐसे पूरे टाइम उनको तनख्वाह देने की बजाय उनको रोजगार देने की बजाय उनका रोजगार छीना जा रहा है, एक बड़ी दुख की बात है। तो हमारी मांग है लगातार इन कर्मचारियों को रखा जाए। लगातार जो हमारे 400 के करीब कर्मचारी थे वही अधिकारी आज हम मांग कर रहे हैं, हमारे पास डिटेल हमने मांगी है। 200 के करीब कर्मचारी उन्होंने दोबारा जब से हम लड़ रहे हैं लगातार दो दिन से उन्होंने डिमांड की, अभी 200 के कर्मचारियों के बगैर ये हमारा काम नहीं चलता। 15-20 साल से इस महकमे के अंदर लगातार कोई भर्ती नहीं है, लगातार आउटसोर्सिंग के बगैर हमारा विभाग नहीं चल सकता, ये हमारी मांग है। अभी तक हमारे को लगातार दो दिन से हम बाकी के पर्यटन स्थलों पर सभी जगह हम अपनी मांगों को लेकर के एजिटेशन कर रहे हैं और अभी तक किसी भी अधिकारी एक दो अधिकारी से हमारी बात हुई है। हमारे मतलब कच्चे कर्मचारी को और पक्के कर्मचारी को भी अभी तक सैलरी नहीं मिली है और जबकि देखो करेक्टर देखो सरकार का दौरा हेडक्वार्टर के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने 2 तारीख को अपनी सैलरी ले ली। नहीं अभी अगर 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर हमारा टाइम देते हैं हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे स्टेट की 18 तारीख की जिन के अंदर अगर इस सरकार ने इन कच्चे कर्मचारी को वापिस नहीं लिया तो आगे की रणनीति हम लगातार काम छोड़ हड़ताल या हड़ताल पर भी जा सकते हैं जिसकी जिम्मेवारी पर्यटन प्रशासन और हरियाणा सरकार की होगी। धन्यवाद।